हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एवं उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। वहाँ आप लेक्चर देख सकते हो। अब थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ अलजेब्रा यानी कुछ प्रॉपर्टीज इनको ये फॉलो करता है। इफ द फंक्शन एफ एंड जी डिफाइन ऑन ए बी, कोई फंक्शन है एफ, वो डिफाइन है ए और बी पे, एंड बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी पूरे जो इंटरवल में है ए बी, इस पूरे इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो एफ और जी जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। देन उस कंडीशन में फंक्शंस का सम है और माइनस है, एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी, दोनों एफ डॉट जी यानी दोनों का मल्टीप्लाई एंड एफ बाई जी यानी एफ अपॉन जी, जीरो की डिवाइडेड में है, एक डिफरेंशिएबल एट सी। तो उस कंडीशन में ये तीनों जो है वो डिफरेंशिएबल होंगे सी पॉइंट पे, एंड उनको डिफरेंशिएशन किस तरह शो करेंगे हम। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस जी देखेंगे तो एफ डैश जी प्लस माइनस जी डैश जी, यानी अगर एफ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं दो फंक्शन के सम का, तो उस कंडीशन में डेरिवेटिव दोनों के सम का अलग अलग हो जाएगा। और अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों के जो साइन है वो माइनस रहेगा, बट डेरिवेटिव दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और एफ डॉट जी का निकाल रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश सी जो पहले फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड फंक्शन है उसको छोड़ देंगे, ओनली सी पे वैल्यू निकाल देंगे उसकी। इस तरह प्लस लगा के एफ डॉट सी यानी पहले फंक्शन को सी पे छोड़ देंगे और जी डैश सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से एफ जी डी एफ अपॉन जी निकालेंगे, तो पहले जी को हम छोड़ देंगे, जी सी एंड एफ डैश सी माइनस जी डैश सी यानी जी का डेरिवेटिव निकालेंगे और एफ को छोड़ देंगे अपॉन जी सी स्क्वायर, प्रोवाइडेड जी सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जी सी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर जी सी इक्वल टू जीरो हो उस कंडीशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास, जी सी नॉट इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, इनका प्रूफ पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास दिया हुआ है एफ और जी जो है थ्योरम थे उसमें दिए हुए थे एफ और जी डिफरेंशिएबल है, यानी कि हमारे पास प्रूफ ऑफ फर्स्ट, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग करते तो एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है, यानी कि लिमिट अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फ्रेंड्स। और जी डैश भी डिफरेंशिएबल है तो जी डैश सी बराबर जी डिफरेंशिएबल है, तो यहां से हम कह सकते हैं एफ जी सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, और जहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यानी दोनों हमारे पास डिफाइन है क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। अब हमें देखना है इन दोनों का सम, यानी हमें देखना है। अब फर्स्ट पे हम बात करते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ प्लस जी एफ प्लस माइनस जी एक्स। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएबल चेक करना है तो हमें चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसको अगर चेक करना चाहे तो ये हो गया हमारे पास एफ प्लस माइनस जी एट एक्स माइनस एफ प्लस माइनस जी एट सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एफ प्लस माइनस एम जो भी इसका फंक्शन होगा या प्लस में होगा या माइनस में होगा। सपोज हम प्लस में कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन रखना है हमें, और माइनस में कर रहे हैं तो माइनस में साइन रखना है। अब हम दोनों में साथ में लेके चल रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स, चूंकि ये कंडीशंस है हमारे पास f प्लस माइनस जी एक्स एंड माइनस f जी प्लस माइनस f प्लस माइनस जी सी एक्स माइनस सी, अब ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं हमें ये देखना है। तो इसको देखने के लिए ये वैल्यू मैं नीचे रख रहा हूं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा हमारे पास अब पहले प्लस के लिए, प्लस वाले साइन के लिए देख रहा हूँ, प्लस वाले साइन के लिए, माइनस वाले साइन के लिए नहीं देख रहा। तो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ सी माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया। तो यहां से उसको लिख सकते हैं हम लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया हमारे पास। क्योंकि एफ यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ सी लिख लिया और जी एक्स माइनस जी सी, और दोनों को अलग अलग लिखा तो जी एक्स माइनस सी का एक बार इससे डिवाइड हो गया और एक बार इससे डिवाइड हो गया। अब फिर चूंकि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो वैल्यू है वो हमारे पास एफ डैश सी के इक्वल है, ये प्लस जी डैश सी के इक्वल है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, जब डेरिवेटिव में हमारे पास प्लस का साइन था ओनली, तब एफ डैश सी प्लस जी डैश सी आ गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं माइनस का साइन हो, तब जब माइनस का साइन हो फ्रेंड्स तब हम देखते हैं तो इसको यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एफ सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी यहाँ ले लेंगे हम, और यहाँ पे देखते हैं तो माइनस जी एक्स प्लस जी सी, माइनस जी एक्स प्लस जी सी, बट अगर इनमें से माइनस जी एक्स और प्लस जी सी में से माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये फिर दोबारा डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास माइनस। तो यहाँ से एक्स प्लस माइनस जी सी दोनों के लिए हम लिख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। तो इस तरह से फर्स्ट थ्योरम जो है वो प्रूव होता है, फर्स्ट ये पार्ट जो है प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब फिर सेकंड पार्ट है इसका मल्टीप्लाई। तो पहले इसकी जो डिफरेंशिएशन की वो तो इसी तरह से डिवाइड होगा, डिफाइन होगी इसकी डेफिनेशन। एक्स टेंड्स टू सी हो जाएगा एफ डॉट जी एक्स, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एफ डॉट जी का मतलब ये है दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ डॉट जी का मतलब एफ फंक्शन ऑफ जी नहीं है फ्रेंड्स, एफ फंक्शन ऑफ जी ये वाला टर्म नहीं है, फॉग और गॉफ वाली कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली हमारे पास एफ डॉट जी यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कंडीशन हम कर रहे हैं। ये हो गया माइनस एफ सी डॉट जी सी अपॉन एक्स माइनस सी हो गया। अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर इसमें हम क्या करें कि एफ का अलग से बन जाए और सी का अलग से बन जाए, तो इसके लिए हम एफ एक्स डॉट जी सी इसको हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इसी इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसी इक्वेशन में प्लस माइनस करें इसको तो ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स जी सी माइनस एफ एक्स जी सी, ये हो गया। यानी एफ एक्स जी सी को हमने ऐड किया और एफ एक्स जी सी को माइनस कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ एक्स माइनस सी को बीच में लिख सकते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर हम इन दो टर्म से देखें, इससे और इससे, इस टर्म से देखें तो एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स कॉमन ले लिया इससे और इससे, तो अंदर बचा हमारे पास जी एक्स माइनस जी सी, ये एक्स माइनस सी यहाँ पे, और सेकंड है हमारे पास ये दो टर्म बची, और इन दो टर्म से अगर हम देखें तो जी सी अगर कॉमन ले लें, जी सी कॉमन लेने पे प्लस जी सी, और अंदर बचा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी, और ये हमारे पास पूरे के नीचे x माइनस सी, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स, और ये हो गया हमारे पास जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस यहां से जी सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये हो गया हमारे पास जी सी, और यहां से एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब फिर ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे अगर हम देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स, ये अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से सी ये हो गया, और ये क्या है डेरिवेटिव है हमारे पास जी डैश सी, और प्लस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये तो जी सी कॉन्स्टेंट है, जी ऑफ सी ये कॉन्स्टेंट है और ये डेरिवेटिव है इसका, तो हो गया एफ डैश सी। जो हमारे पास थ्योरम थी ये इसी के इक्वल है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास जो कि हमें प्रूव करवा रहा था, यानी अब देखें तो इसको एफ डैश सी जी सी दोनों का मल्टीप्लाई ये रहा और ये दोनों का मल्टीप्लाई ये रहा। तो इस तरह से हम इसके डेरिवेटिव को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई दो फंक्शन हो एफ, उनका मल्टीप्लाई एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल टू जी एक्स डॉट एफ एक्स होता है। अगर कोई सिंपल नॉर्मल फंक्शन होंगे तो उस कंडीशन में उनका मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होगा, तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी से इसको हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी ट्रू हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। अब फिर जब इस थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड की बात के लिए अगर हम देखें तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये हो गया हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ सी अपॉन जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया। अब इसका हमें एलसीएम ले लें एक्स और उसका, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स सी डॉट जी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो गया तो यहां से हमें जब हमने एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सी एफ एक्स माइनस एफ सी जी एक्स अपॉन ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ सी, एलसीएम आ गया और एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई ये आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर इस कंडीशन में इसमें हम एफ सी जी सी एड कर दें और माइनस कर दें तो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये हो गया हमारे पास जी सी एफ एक्स माइनस एफ सी जी सी प्लस एफ सी जी सी, ये हमने माइनस किया और साथ में प्लस कर दिया और माइनस ये हो गया जी सी जी एक्स अपॉन ये हमारे पास जी एक्स जी सी एंड एक्स माइनस सी, ये टर्म बची हुई है हमारे पास फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगर हम देखना चाहें तो यहां से अगर हम जी सी कॉमन लेना चाहें तो जीसी कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहां से हमने जीसी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और यहां से जीसी कॉमन लिया तो ये जी ऑफ सी आ गया, अंदर बचा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी ये हो गया, और नीचे है हमारे पास जी एक्स जी सी और एक्स माइनस सी ये, और इसमें अगर देखना चाहें तो यहां से अगर हम जीसी कॉमन लेना चाहें तो ये हो गया जीसी कॉमन लेना चाहें तो ये माइनस का जी एक्स आएगा, तो माइनस जीसी कॉमन लेंगे माइनस जीएस कॉमन लेना, माइनस जीसी कॉमन लेना चाहे तो हमारे पास आया जीसी कॉमन लिया हमने, तो फ्रेंड्स जीसी कॉमन लिया यहां से, अगर हमने जब जीसी कॉमन लिया है तो एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, यहां से जब जीसी कॉमन लेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारे पास एफ सी डॉट जी सी, एफ सी डॉट जी सी, तो यहाँ से हम एफ सी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमने एफ सी कॉमन लिया तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एफ सी कॉमन लिया तो जी एक्स माइनस जी सी ये हो गया हमारे पास। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हो गया यहां से हमारे पास अगर इसको जी सी और इसको लिखना चाहे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन जी एक्स जी सी लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम x माइनस सी को अगर हम दोबारा नीचे लाना चाहे तो ला सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिख दिया हमने माइनस, फिर इसके बाद एफ सी और यहां से जी एक्स माइनस जी सी एक्स माइनस सी अपॉन जी एक्स जी सी, और यहां पे माइनस लिमिट है एक्स टेंड्स टू सी, यानी हमने लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और यहां से ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर लिमिट अप्लाई करते हैं हम, तो यहां पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, लिमिट अप्लाई की तो जी ऑफ सी और ये क्या है एफ डैश सी, तो ये एफ डैश सी माइनस यहां से एफ सी और ये क्या है जी डैश सी, ये पूरी टर्म, और नीचे क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई की तो जी सी स्क्वायर और यहाँ पे भी जी सी का स्क्वायर, या इसको एक साथ में लिखना चाहे तो इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं इस तरह से, यहां से जी सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो प्रूव करवा रहा था जी सी एफ डैश सी माइनस एफ सी प्लस जी डैश सी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की जो अलजेब्रा है इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एफ यू डॉट बी, इनको बेसिकली यू बी, यू प्लस माइनस बी एंड यू बाई बी इस नाम से भी जानते हैं, यानी इन फॉर्मूलों को इन नामों से भी जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।